हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल और मैं आप लोग का दोस्त और चैनल का होस्ट प्रशांत। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को तीन अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि इसी जून 2021 के अंदर इंडिया में रिलीज होने वाले हैं। तो दोस्तों, वन प्लस की तरफ से आने वाला एक फोन है, पोको की तरफ से भी आने वाला एक फोन है और IQOO की तरफ से भी आने वाला एक फोन आपको इंडिया के अंदर मिलने वाला है। दोस्तों, तो इन तीनों ही स्मार्टफोन की कंप्लीट डिटेल मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो बहुत ही ज्यादा कमाल का वीडियो होने वाला है। पूरा एंड तक आप लोग ध्यान से देखते रहना, तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में जो है ना, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर दोस्तों आपके लिए रोजाना ऐसे ही टेक वीडियोस में लेकर के आता रहता हूं। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो फायदे में जरूर से रहोगे, ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं जो ना आप लोग को इन तीनों ही स्मार्टफोन्स की कंप्लीट डिटेल्स बता देता हूं जो कि इसी जून 2021 के अंदर आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अपना जो सबसे पहला फोन निकल करके आ रहा है उसका नाम है यहाँ पे IQOO Z3 5G। अब दोस्तों, बेसिकली ये एक मिड रेंज फोन होने वाला है जो कि IQOO वालों की तरफ से आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसके अंदर आपको 5G का भी सपोर्ट मिल रहा है। अब दोस्तों, ऑलरेडी IQOO वालों ने जो ना अपने दो फ्लैगशिप फोन इंडियन मार्केट के अंदर रिलीज पहले ही कर चुके, एक था 7 और दूसरा था 7 Legend। तो अब ये पहला एक मिड रेंज फोन आपको मिलने वाला है IQOO तरफ से, जो होने वाला IQOO Z3 5G के नाम से। ओके, इसकी रिलीज डेट जो है दोस्तों वो है तक यहाँ पे 8 जून 2021। तो 8 तारीख को ये इंडियन मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। अब दोस्तों, इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो है तकरीबन 19,000 रुपीज़ की। तो 19,000 रुपये का ये फ़ोन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है 8 तारीख से। अब दोस्तों, बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो दोस्तों इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है वो होने वाला है 768G का, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर आपको रैम मिलेगा 6GB का। अब दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा इसके डिस्प्ले की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसके अंदर 6.58 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाला है जो कि बेजल लेट वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, इसकी कैमरा की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो आपको प्राइमरी कैमरा जो है ना इसका रियर वाला वो मिलेगा 64 मेगापिक्सल का विथ 10x डिजिटल जूम के साथ में। दूसरा, इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का भी कैमरा होगा जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा। इसी के साथ साथ जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा वो होगा माइक्रो कैमरा। ओके, फ्रंट कैमरा दोस्तों इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का मिलेगा विद 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोग उससे कर सकोगे। रियर कैमरे से भी कर सकोगे, फ्रंट से भी कर सको, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों, बात करेंगे इसके बैटरी की, तो दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर जो बैटरी आपको देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 4400mAh की बैटरी। इसी के साथ साथ दोस्तों, इसकी चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो दोस्तों 55W का आपको इसके अंदर फ्लैश चार्जिंग मिलेगी। दोस्तों, रैप नहीं, फ्लैश चार्जिंग आप लोग इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी जो कि USB की अगर मैं बात करूँ तो USB टाइप सी सपोर्ट इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये है इस IQOO Z3 की कंप्लीट इन्फो जो मैंने आप लोग को इसके अंदर बता दिया। आप 8 जून को ये बेसिकली रिलीज हो जाएगा इंडिया के अंदर, तो इसके सारे स्पेसिफिकेशंस तो मैंने आप लोग को बता दिए। अब वो आपकी मर्जी कि आपको इस फोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों, बात करेंगे अब हम लोग यहाँ पे अपने दूसरे फोन की जो कि निकल करके आ रहा है यहाँ पे वन प्लस की तरफ से। सो गाइस, ये जो Note CE 5G फोन आपको मिलने वाला है ना, ये बेसिकली इंडिया के अंदर रिलीज होने जा रहा है 10th जून 2021 को। इसकी प्राइस दोस्तों जो है ना तकरीबन होगी 25,000 से लेकर के 30,000 रुपये के आसपास। तो अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों मार्केट के अंदर 6GB रैम का भी फोन मिलेगा और 12GB रैम का भी फोन मिलेगा। तो ये दोनों वेरिएंट आप लोग को डिसाइड करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से इसकी प्राइस जो है आप लोग को देखने के लिए मिलेगी 25,000 से 30,000 के बीच में, ठीक है। अब दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकेशंस की, तो गाइस इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलने वाला है वो होने वाला है भाई क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G। 6GB का रैम होगा, 12GB का रैम होगा। इसी के साथ साथ इसकी अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, तो दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर जो डिस्प्ले आपको मिलेगा वो होने वाला है 6.50 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले। अब दोस्तों, कैमरा भी इसके अंदर सेम है जैसे कि IQOO Z3 में आपको देखने के लिए मिल रहा है। 64 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का वही जो है वो अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा मिलेगा। फ्रंट कैमरा भी 16 मेगापिक्सल का होगा। ये आपको सेम फीचर इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ इसके बैटरी की, तो दोस्तों यहाँ पे जो इसके अंदर आपको बैटरी देखने के लिए मिल जाती है यार, वो होने वाली 4500mAh की बैटरी। इसी के साथ साथ अगर मैं चार्जिंग की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, तो 30W की आपको रैप चार्जिंग मिलेगी
यूएसबी की बात करूँ तो टाइप सी सपोर्ट उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ओके अब दोस्तों ये बेसिकली जो है ना एक मिड रेंज फोन होने वाला है, वन प्लस की तरफ से आने वाला है। एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है इसके अंदर क्योंकि ये वन प्लस का फ़ोन है, लेकिन आपको पूरी तरीके से पहले तो इसके स्पेसिफिकेशन आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद में डिसाइड कीजिए कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है अब दोस्तों बात करेंगे आप लोग यहाँ पे अपने तीसरे फोन की जो कि आ रहा है पोको की तरफ से। तो दोस्तों जैसा कि IQ00Z3 यहाँ पे 8 जून 2021 को रिलीज हो रहा है इंडिया के अंदर, उसी के साथ साथ यहाँ पे पोको की तरफ से आने वाला एक फोन है जिसका नाम है पोको M3 Pro 5G। ये भी दोस्तों 8 जून को रिलीज किया जा रहा है इंडियन मार्केट के अंदर। इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो तकरीबन 16,000 रुपये का ये फोन आपको देखने के लिए मिलेगा इंडियन मार्केट के अंदर। इसी के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों ये सबसे ज्यादा जो है ना कम प्राइस वाला फोन होगा 5G के साथ में, अगर मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करता हूँ तो, क्योंकि 5G के जो फोन है तकरीबन आपको ज्यादा ही प्राइस के देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है दोस्तों सबसे कम प्राइस वाला फोन हो सके इंडिया के अंदर जो कि 5G का सपोर्ट आपको यहाँ पे दे रहा है। ठीक है इसी के साथ साथ अब मैं बात करूंगा दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसकी अपने परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो प्रोसेसर है वो आप लोग जान लीजिए, वो है मीडियाटेक का यहाँ पे डायमेंसिटी 700 वाला प्रोसेसर मीडियाटेक का। ठीक है अब यहाँ पे दोस्तों रैम है इसके अंदर 4GB का। इसी के साथ साथ डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो दोस्तों 6.5 इंचेस का आप लोग को IPS LCD डिस्प्ले इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके कैमरा की, तो दोस्तों इसके अंदर भी आप लोग को ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि इसके अंदर आपको मिलेगा भाई अपना 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा प्राइमरी कैमरा, उसी के साथ साथ 2-2 मेगापिक्सल के जो है दोस्तों इसके अंदर आप लोग को माइक्रो और डेप्थ कैमरा देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्रंट कैमरा भी इसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलेगा। ओके अब यहाँ पे दोस्तों इसकी बात करूँ मैं बैटरी की, तो दोस्तों इसके अंदर जो है ना बैटरी आपको अच्छी मिल रही है 5000 mAh की, 5000 mAh की इसके अंदर आपको बैटरी मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जो चार्जिंग है दोस्तों वो है 18W की फास्ट चार्जिंग, तो 18W की आप लोग को फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिल रही है। USB का भी सपोर्ट है इसके अंदर टाइप सी पोर्ट, तो वो भी आपको देखने के लिए इसके अंदर मिल जाएगा। तकरीबन इसके प्राइस के हिसाब से ये जो फोन है इसके स्पेसिफिकेशन में आप लोग को यहाँ पे बता दिया, तो ये एक अच्छा फोन यहाँ पे निकल करके आ रहा है पोको की तरफ से जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। ठीक है तो दोस्तों ये थे कंप्लीट डिटेल्स इन तीनों ही फोन्स की, IQ00Z3 और यहाँ पे OnePlus Nord का एक फोन आ रहा है, पोको M3 Pro आ रहा है यहाँ पे। ये तीनों ही फोन्स आप लोग अच्छी तरीके से देखिए और उसके बाद में डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा लेना है। ओके और मेरे को कमेंट करके भी जरूर से बताइएगा कि कौन से फोन के लिए आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, कौन सा फोन आप लोग यहाँ पे परचेस करने वाले। ठीक है तो दोस्तों बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, आई होप आप लोग को वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो, चैनल पर नए हो तो अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल बाय बाय एंड टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।